नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू होने के बाद गहलोत सरकार लगातार रास्ते खोजने में लगी है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आरक्षण को लेकर सरकार गुर्जरों के सामने कई तरह के प्रस्ताव रख सकती है। कानूनी राय लेकर सरकार लगातार आरक्षण पर मंथन कर रही है। सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था कि सरकार के पास कई विकल्प खुले हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह गुर्जरों के सामने कई तरह के प्रस्ताव रख सकते हैं। पहला विकल्प ये कि मोर बैकवर्ड क्लास का दायरा 1% से बढ़ाकर 5% बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना लगा सकती है। 2018 में गंगा सहाय शर्मा की लगी याचिका पर MBC आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, जहां से कोर्ट ने मामला विधायक पर रोक लगा दी थी और ये कहा था कि सरकार विधेयक तो ला सकती है, लेकिन 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब केंद्र सरकार के सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ गया है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लाया है सोशल मीडिया इंटरव्यू, जहां पर इंटरनेशनल लेवल न्यूज रूम या फिर आपकी अपनी ब्रांडिंग का न्यूज रूम में प्रोफेशनल एंकर द्वारा लिया जाएगा इंटरव्यू। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। कॉल करें 9001-299-672 और विजिट करें www.mishimediasolutions.com। लेकिन राजस्थान में फिलहाल ये लागू नहीं हुआ है। सरकार कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा सकती है कि अब आरक्षण का दायरा बढ़ गया है तो MBC आरक्षण का दायरा 1% से बढ़ाकर 5% किया जाए। इसके अलावा गुर्जरों को मोर बैकवर्ड क्लास से बाहर करके सरकार गुर्जरों को अलग से 5% आरक्षण दे सकती है। पहले 5% आरक्षण देने में समस्या 50% दायरे को लेकर आ रही थी, लेकिन अब केंद्र में सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के बाद में आरक्षण के दायरे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सरकार कोर्ट में याचिका भी दायर कर सकती है। हालांकि अभी पूरे मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट और कानूनी जानकारों से राय ले रही है, क्योंकि आरक्षण का दायरा फिर बढ़ा तो एक बार फिर से मामला कोर्ट में अटक सकता है। इसलिए सरकार कानूनी जानकारों से राय लेकर ही कोई कदम आगे बढ़ाएगी। आपके व्यूज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा मौका जिसमें आप हमसे और करीब से जुड़ पाएंगे। जी हाँ, हम लाए हैं एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का जवाब आपको हमें सेल्फी वीडियो बनाकर भेजना होगा। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि आप सेल्फी वीडियो किस तरह से बनाएंगे। अपने फ़ोन से कैमरा ऑन करके हॉरिजेंटल इसको रखेंगे और इस तरह से अपना जवाब, आपके विचार और जवाब कोई भी हो उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे। याद रखिए, मोबाइल की सिचुएशन वर्टिकली ना होके हॉरिजेंटल होनी चाहिए और जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसे हम देंगे हमारे चैनल पर चलाने का मौका। जी हाँ, और आज का प्रश्न है, आप अपने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखते हैं, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? आपका जो भी जवाब हो उससे हमें फटाफट से सेल्फी वीडियो बनाकर भेजें।